बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। नीतीश ने 28 जनवरी 2024 को नौवीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। बिहार में बीते दिनों जदयू और बीजेपी के बीच गठबंधन के बाद अब वहां फिर से नीतीश कुमार की नई सरकार ने शपथ ली है। बिहार की सियासत में अचानक आए इस भूचाल ने सबको चौंका दिया है। बिहार में लालू यादव की आरजेडी और नीतीश की जदयू के बीच गठबंधन आखिर टूटा कैसे? बिहार की सियासत में इतना बड़ा खेल आखिर कैसे हो गया? इसके पीछे आखिर कौन था? नीतीश कुमार ने नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का तमगा रखने वाले लालू यादव कुछ नहीं कर पाए। इस बार जदयू और बीजेपी को साथ लाने में सबसे अहम रोल एमएलसी संजय कुमार झा का माना जा रहा है। नई सरकार बनने से पहले वो मंत्री थे, ऐसे में आगे हो सकता है कि बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उन्हें फिर से मंत्री बना दिया जाए। बताया जा रहा है कि इस सियासी उठापटक के असली खिलाड़ी संजय कुमार झा हैं। बता दें कि शायद ही कोई प्रोग्राम होता है जिसमें नीतीश कुमार के साथ संजय कुमार झा न होते हों। फिलहाल वो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कहा जाता है कि संजय कुमार झा ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो पार्टी और सरकार दोनों में अपनी पैठ रखते हैं। 2024 से पहले 2017 में भी जदयू का बीजेपी के साथ गठबंधन कराने में संजय कुमार झा का अहम रोल था। इस बात को खुद जदयू सांसद लल्लन सिंह ने 2022 में स्वीकार किया था। इस बार भी जब बीजेपी से गठबंधन की चर्चा शुरू हुई तो सबसे पहले संजय कुमार झा को ही सीएम हाउस में बुलाया गया। वैसे संजय कुमार झा की पॉलिटिकल ट्रेनिंग बीजेपी में हुई है। बीजेपी में संजय कुमार झा के गॉडफादर अरुण जेटली थे। अरुण जेटली के प्रति संजय कुमार झा और नीतीश कुमार दोनों का श्रद्धा भाव रहता है। साल 2012 में नीतीश कुमार ने संजय कुमार झा को जदयू ज्वाइन कराया। 2014 में संजय कुमार झा ने जदयू से दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा मगर चुनाव हार गए। बाद में नीतीश कुमार ने राज्यपाल कोटे से विधान परिषद भिजवाकर कैबिनेट में मंत्री बना दिया। नई सरकार बनने से पहले संजय कुमार झा जल संसाधन और जनसंपर्क विभाग के मंत्री थे। संजय कुमार झा को मिथिलांचल में नीतीश की पार्टी जदयू का ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। माना जा रहा है कि इस बार संजय कुमार झा को नीतीश कुमार दरभंगा से चुनाव लड़वाएंगे। वैसे इस बार की कैबिनेट में संजय कुमार झा को जगह नहीं मिली, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें आगे कैबिनेट में जगह मिल सकती है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।